एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। और मैं आज आप लोगों के साथ अंडे की भुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा आप लोगों को लगा। दो अंडे की भुजिया बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज लिया है, मिर्च लिया है, एक प्याज लिया है छोटा, और टमाटो एक स्मॉल साइज का, आधा टुकड़ा शिमला मिर्च और थोड़ी सी ग्रीन मटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता और बीन, दो बीन हमने कट करके रखा है बहुत ही एकदम पतला। अब ये गरम भी हो चुका है ऑयल कढ़ाई में, तो मैं सबसे पहले प्याज और मिर्चा जो है वो ऐड कर दूंगी और ऐड करके इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सभी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई जैसे ही हल्का हो जाता है, उसके बाद हम इसमें कुछ सब्जी जो है वो ऐड करेंगे, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसमें सारी वेजिटेबल जो है वो ऐड कर दूंगी एक बार में। आप टोटल वेजिटेबल ऐड कर दीजिए, टमाटो वगैरह टोटल और धनिया की लीव्स भी टोटल ऐड कर दीजिए और इसे हल्का फ्राई करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ये क्या है ना, बहुत झटपट से बन जाता है, तो आप इसे बनाइए और खाइए। अच्छे से ये फ्राई हो रहा है, तो इसे हमें पहले फ्राई कर लेना है अच्छे से। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो ऐड कर दूंगी, हल्का सा ऐड करूंगी, क्योंकि जो सब्जी वगैरह है ना वो अच्छे से पक जाने चाहिए। फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें कुछ मसाले जो है वो ऐड करेंगे, जैसे कि रेड चिल्ली एकदम, देखिए एक पिंच हमने यूज किया है, जीरा और गोलकी का जो पाउडर होता है ना उसे भी हमने हाफ टी स्पून यूज किया है। चिकन मसाला आप इसमें जरूर यूज कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। हाफ टी स्पून का हम एक पिंच यूज करेंगे, बस एक पिंच, बहुत ही कम मात्रा में। मिक्स करते हुए अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें जो है ना एग ऐड करेंगे। देखिए मसाला अच्छे से, अंडे डाले तो गैस का जो फ्लेम है ना बिल्कुल एकदम कम रखें, नहीं तो क्या होगा ना, अंडे जो है वो जल जाएंगे, तो वो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए मैं इसे मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, तो आप लोग इसे जरूर एक बार ट्राई करें। आप इसमें जितना चाहें थोड़ा एग की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही यम्मी लगेगी, पर मैं थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा ऐड की हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, तो आप ये डिश को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और इस टाइम पे आपको गैस का जो फ्लेम है हाई कर देना है, तो इस तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए अच्छे तरीके से। और आप लोग देख रहे होंगे इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसी तरह ये खाने में भी उतना ही यम्मी लगेगा। और इसे चलाते हुए ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, नीचे जो है ना वो जल जाएगा, और आप मेरा नीचे देख रहे होंगे एकदम क्लीन। चलिए ये अंडे की भुजड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए ये रेसिपी को, ये बहुत ही जल्दी बनती है, झटपट, और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी लगती है, तो ये रेसिपी आप जरूर एक बार ट्राई करें। अंडे की भुजड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, ये रेसिपी आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। अंडे की जो रेसिपी आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है अंडे की भुजड़ी की, वो जरूर एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, वो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, और आप वो किसी भी टाइम खा सकते हैं, जैसे कि लंच में, या आप ब्रेकफास्ट में, या डिनर में, किसी भी वक्त आप उसे बनाइए और खाइए, वो झटपट बन जाती है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफस्टाइल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाएं। तो बाय फ्रेंड्स।